बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एन टी एस टेस्टमास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, FBR का पेपर हल कर रहे हैं। इससे पहले FBR फर्स्ट टाइम का जो पेपर हो चुका था UDS और स्टीनोटाइपिस के लिए, तो उसको तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और इस वक्त सेकंड टाइम में जो पेपर हो चुका था UDC के लिए, और इसमें अब ये नहीं पता कि इसके साथ स्टीनोटाइपिस्ट शामिल था कि नहीं। तो आज का वीडियो जो है UDC सेकंड टाइम FBR वीडियो नंबर 41 21/11/2021 को ये पेपर हो चुका था फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस पेसलाबाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिये दोस्तों, दिस वॉज द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फीड, फीड के माने किसी को खाना खिलाना। तो फीड का पास्ट पार्टिसिपल जो है दैट इज फीड, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब GIRD गिल्ड, तो इसमें गिल्डेड और गिल्ट ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन था पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाइट, लाइट लिट, लाइट के मानी, और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है दैट इज लिट, LIT, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गूज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है गीज, GEESE, ये एस नहीं होना चाहिए इसके साथ, लिहाजा इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिम, नन ऑफ दिम। क्वेश्चन नंबर 5 थे के 5 नंबर क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन बेम्बू, बेम्बू बेम्बूज, BAMBOOS, बेम्बूज, नन ऑफ देम, ऑप्शन डी आता है, इसमें कोई करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 थे के कॉमन जेंडर डिनोट्स द जेंडर विच इज, कॉमन जेंडर बोथ को कहते हैं विच इज मेल एंड फीमेल, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखे, 7 नंबर क्वेश्चन, द फीमेनिन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर जो गाड़ियों में होते हैं पैसे कटे कंडक्टर कहते हैं उसको, और इसका फीमेनिन जो है वो कंडक्टरेस, कंडक्टरेस, तो लिहाजा नन ऑफ दिम इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, द मदर इज द बेबी ब्यूटिफुली, द मदर इज क्लॉथेड, द मदर इज क्लॉथिंग, इसका इस्तेमाल है तो इसके साथ ऑप्शन सी लगेगा, द मदर इज क्लॉथिंग द बेबी ब्यूटिफुली, द मदर क्लॉथेड, अगर ऑप्शन ए लगाना था तो इसका इस्तेमाल नहीं होना था, फिर ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, 9 नंबर क्वेश्चन को, द नाउन ऑफ द वर्ब टेल, टेल का नाउन टॉक, TALK, टॉक नाउन भी है और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखे, 10 नंबर, द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड व्हाट, नाउन आर प्रोनाउन, द वर्ड यूज इन नाउन डेट इज कॉल्ड प्रोनाउन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर, मुल्तान इज फेमस फॉर इट्स मैंगोज, ऑप्शन सी लगेगा, इट्स, ऑप्शन ए इट इज, और इट्स ये तो इस तरह तो बोला ही नहीं जाता, इट्स मैंगो, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखे, 12 नंबर क्वेश्चन को, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन,
नाउन आर प्रोनाउन टू करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आर डी सॉरी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरलेटिव ऑप्शन आर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी यूज इन द सेंटेंस शी लाफ्ड एट दिम एट लगेगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को द वर्ड यूज इन ग्रामर टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स इसका इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 देखे 16 नंबर क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट द मोरल लुक बिफोर यू लीव बात करने से पहले सोचा करो जंप लगाने से पहले सोचा करो तो लुक बिफोर यू लीव एल ई ए पी लीव ऑप्शन डी लगेगा नन ऑफ दीस क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को टेंस ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन रनिंग अ स्कूल सिंस 1994 हैड बीन रनिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लफज इसमें नहीं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ही इज स्टडिंग ऑन द टेबल एट द टेबल ओवर द टेबल इन द टेबल एट द टेबल लगेगा ऑप्शन ए और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को द वाटर इज फ्लोइंग स्विफ्टली थ्रू द पाइप द वाटर इज फ्लोइंग स्विफ्टली थ्रू द पाइप ऑप्शन ए लगेगा 20 नंबर क्वेश्चन विन लफज विन जो है दिस इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम वक्त के ना कब टाइम की बात है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो यहां पर इसको खत्म करें क्योंकि इंग्लिश पार्ट था जो खत्म हो गया अब नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान स्टडी जनरल नॉलेज वगैरह है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आज के लिए इतना काफी है लाइक और शेयर लाजमी करें थैंक यू फॉर वॉचिंग